नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो मैं हर मोदी केरियन को बधाई देना चाहूंगी। जिस डेडिकेशन, जिस डिवोशन के साथ आप आज का ये महाकुंभ सफलता का अटेंड कर रहे हैं, ज्ञान का महाकुंभ जो अटेंड कर रहे हैं, वो आपके इरादे बता रहा है। और वो ही बता रहा है कि 9 नवंबर को कितनी बड़ी दिवाली हिंदुस्तान में आने वाली है। आप सबका शुक्रिया। विद इन 30 सेकेंड्स 1000 पीपल इस पे हो जाते हैं, तो फेसबुक पर हजारों लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। और फ्रेंड्स, जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे एक्सपर्ट हैं, वो पूरी पूरी तरीके से जस्टिस कर रहे हैं आज की इस इवेंट के साथ। वो भी उतने ही कमिटेड हैं जितने आप कमिटेड हैं आपकी सफलता के लिए। और जैसा कि आपसे मैंने शेयर किया था, अब हम हमारे अगले सेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। पर उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी, आपके पास मैसेज है, जो आपके पास जूम मीटिंग का लिंक है उसी पर फेसबुक पेज का भी लिंक है, लाइव का लिंक है। तो अगर आप कि कोई भी डाउनलाइन इस सेशन में, इस मीटिंग में, जूम रूम में एंटर नहीं हो पा रहे हैं, तो वो डेफिनेटली एफबी पेज पर देख सकते हैं। उन्हें बता दीजिए, हमारे पास लगातार मैसेजेस आ रहे हैं जिनका हम जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं। तो आइए चलते हैं आगे। अब चलते हैं बेसिक स्टेप की तरफ। अब चलते हैं, क्या है जो नया पानी दरिया में लाएगा, क्या है जो नया पानी झील में लाएगा। कहते हैं झील में नया पानी आता जाता है तो वो ताजी बनी रहती है। और नेटवर्क मार्केटिंग में जब नए लोग आते चले जाते हैं, जब प्रोस्पेक्टिंग होती चली जाती है, तो झील में नया पैसा आता चला जाता है, नया उत्साह बढ़ता चला जाता है। और किसी और की तो छोड़ो, मेरा ये मानना है कि जो व्यक्ति खुद प्रोस्पेक्टिंग कर रहा होता है ना, वो बहुत उत्साही रहता है, वो बिल्कुल राइट माइंडसेट में रहता है, वो बिल्कुल सही बातें कर रहा होता है, वो बिल्कुल सही सोच रहा होता है। और जो सही बातें कर रहा होता है, सही सोच रहा होता है, वही सफलता पाता है। इसीलिए लगातार प्रोस्पेक्टिंग मोड में रहना जरूरी है। और इसीलिए ये जो आज का सेशन है, इस सेशन में दो प्रोस्पेक्टिंग एक्सपर्ट आपको सिखाएंगे कि प्रोस्पेक्टिंग कैसे की जाए। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हुए, सबसे पहले मैं बुलाने जा रही हूँ मोदी केयर की इंडिया की यूथ आइकॉन अक्षी दत्ता जी, जिन्होंने 25 साल की उम्र में, जब लोग अपना कैरियर कौन सा करें ये चूज कर रहे होते हैं, उस समय रिटायरमेंट की कैपेसिटी जनरेट कर ली है। बड़ी गाड़ी, बड़ा बड़ा घर, स्विट्जरलैंड, पेरिस का हनीमून, एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, और सबसे बड़ी बात, अपने पापा की, अपने हर अपलाइन की और हर मोदी केरियन के शान है। मैं जोरदार तालियों से बुलाने जा रही हूँ अक्षय दत्ता जी और उनके जीवन साथी दिग्विजय जी को, जो कि बराबर का कंधे से कंधा मिलाकर के उनके साथ चल रहे हैं और आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। अक्षय, दिग्विजय जी, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैम, वो दिग्विजय जी आज थोड़ा सा बिजी हो रखे हैं, उस कारणवश वो आज नहीं आ पाएंगे, तो आज मैं ही लीड करूंगी। ठीक ठीक है, ठीक है। है। नमस्कार दोस्तों, नाम अक्षी है। मोदी केयर बिजनेस को पिछले लगभग 7 साढ़े 7 सालों से बिल्ड कर रही हूँ। और मोदी केयर को स्टार्ट करने की दोस्तों कोई खास रीजन नहीं था, सिर्फ अपने पापा का मन रखने के लिए मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। सपने बहुत बड़े बड़े थे, एम्बिशंस बहुत ज्यादा थी, लेकिन फाइनेंशियली हम लोग पहले बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे। और मैं चाहती थी, मैं देख रही थी अपने पेरेंट्स को बहुत स्ट्रगल करते, मम्मी को स्ट्रगल करते, पापा को स्ट्रगल करते, तो चाहती थी उनके लिए कुछ बड़ा करूँ अपनी लाइफ में, उनका बहुत बड़ा नाम करूँ। और एक छोटे से परिवार से हूँ, एक छोटे से घर में हम लोग रहा करते थे, और परिवार जरूर हमारा छोटा था, लेकिन माइंडसेट और दिल बहुत बड़ा था मेरे घर वालों का। तो वो चाहते थे मेरे को कुछ बनाना, कुछ बड़ा करना। तो बस मोदी केयर लाइफ में आया, पापा का मन रखने के लिए मोदी केयर ऑफिस गई, वहां से प्रोडक्ट्स लेने स्टार्ट करे, यूज करे दोस्तों, धीरे धीरे शेयरिंग करनी स्टार्ट करी, बिजनेस बढ़ता चला गया। 1647 रुपए की इनकम से दोस्तों शुरुआत करी थी आज से 7 साढ़े 7 साल पहले, जो इनकम बढ़कर अब हो चुकी है लगभग दोस्तों 40,000 रुपए की। लेकिन बताना चाहूंगी, 40,000 रुपए महीने का नहीं, 40,000 रुपए पर डे, एवरी डे मोदी केयर से आज अर्न कर रही हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ से अगर बात करूँ अचीवमेंट की, तो यहाँ से एक प्यारी सी गाड़ी जो कि मैंने अपने मम्मी पापा को उनकी 25वीं सालगिरह पे गिफ्ट करी थी, 11 लाख की ब्रेजा, वो मैंने अपने पेरेंट्स को उनकी 25th एनिवर्सरी पे गिफ्ट करी थी। और साथ ही साथ हम एक छोटे से प्यारे से 60 गज के मकान में रहते थे जब मोदी केयर नहीं किया करते थे। और दोस्तों आज मोदी केयर को करके 70 लाख के 3 BHK के फ्लैट में आज शिफ्ट हो चुके हैं, जो मोदी केयर के हाउस फंड की वजह से पॉसिबल हुआ है। और दोस्तों साथ ही साथ एक चीज बताना चाहूंगी कि एक कार, जो मेरी सपनों की कार थी, जो मुझे हर हाल में चाहिए ही चाहिए थी, मुझे लेनी थी, वो सपनों की कार थी दोस्तों जैगुआर। मैंने उसका गोल सेटिंग करी और 25वें जन्मदिन पे अपने 8 सितंबर को 2018 में मैंने वो गाड़ी अपने आप को गिफ्ट नहीं करी, बल्कि उससे 10 दिन पहले ही जैगुआर कार मेरे पास आ चुकी थी। मेरे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे जो मेरे अपलाइंस हैं, मनोज सर,
सुरेखा मैम और तरुण बजाज सर और जो हमारे कंपनी के मालिक है मिस्टर समीर मोदी जी, कंपनी की मैनेजमेंट है, हमारी सारी जो मेरी टीम है और फैमिली है, सब लोग वहाँ मौजूद थे। और उस दिन वो गाड़ी मेरे को मिली थी दोस्तों, 50 लाख की जैगवार, आज मैं खुद ड्राइव करती हूँ और बहुत मजा आता है उसको चलाकर, बहुत ज्यादा खुश हूँ मोदी केयर को करके दोस्तों। लेकिन आज जो इनकम है साल की करोड़ रुपए की, आज इनकम यहाँ से अर्न कर रही हूँ और आगे आने वाले टाइम में और भी बहुत बड़े बड़े सपने ले रखे हैं, बहुत कुछ और करना है अपनी टीम के साथ और बहुत बड़ी बड़ी चीजों को अचीव करना है हम लोगों को। लेकिन दोस्तों जो यहाँ तक आज पहुंची, जो इतना मेरा सफर रहा 7 साल का, उसके पीछे जो एक बहुत बड़ा मेरी सक्सेस का रीजन है ना, वो है दोस्तों अननोन प्रोस्पेक्टिंग। इस बिजनेस के अंदर जैसे भी सुरेखा मैम बोल रही थी कि नया नया बिजनेस आना बहुत जरूरी है ताकि और नया नया पैसा हम इस बिजनेस के अंदर बना सके। दोस्तों प्रोस्पेक्टिंग जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी क्यों है, क्योंकि हमारी जो पुरानी टीम होती है ना, वो कभी कभी क्या सोचने लगती है कि भाई इनके पास तो हम लीडर है। तो हमारे को क्या होता है ना कि जब हम नए नए लोगों को अपने बिजनेस में लाते हैं तो पुरानी टीम को कभी भी ये चीज रियलाइज नहीं होती कि हम है। तो उसके लिए हमारे को क्या है ना, नए नए लोगों को अपने बिजनेस के अंदर लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और क्यों जरूरी है, ताकि हम और भी लोगों की लाइफ में चेंज ला सकें। और क्यों नए लोगों को लाना जरूरी है, क्योंकि नए लोगों को लाने से हमारा पीजीबी भी बढ़ता है और हमारी इनकम इंक्रीज होती है। तो उसके लिए हमें प्रोस्पेक्टिंग करना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि जो हमारे नोन लोग हैं ना वो नहीं जुड़ रहे, वो नहीं मान रहे, तो हम क्या करें, किसके पास जाएं। तो दोस्तों दुनिया बहुत बड़ी है, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है इंडिया, जहाँ पे 134 करोड़ लोग की आबादी है और यहाँ पर लोगों की कोई कमी नहीं है। हमारे को हमेशा एक प्रोसेस के साथ काम करना है। हमें कुछ लोग अक्सर क्या गलती करते हैं ना, अपना पूरा का पूरा बिजनेस बेस कर देते हैं अननोन्स के ऊपर। मैं आज आपको दोस्तों अननोन प्रोस्पेक्टिंग सिखाऊंगी, लेकिन ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि सिर्फ अननोन पे बिजनेस को करें, नोन प्लस अननोन को करेंगे ना तो आपको बहुत ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि अननोन पे रिजल्ट आने में टाइम तो लगता है लेकिन अननोन पे रिजल्ट आते हैं। और मैंने जो आज तक अपनी लाइफ में जो अननोन प्रोस्पेक्टिंग करी है 6-7 साल के अंदर, उससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट आए, लेकिन वो मैं नोन के साथ साथ करा, मैंने नोन और अननोन का मिक्सचर के साथ आप बहुत अच्छा बिजनेस को आगे बिल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों अननोन प्रोस्पेक्टिंग हम किसके साथ कर सकते हैं, जो व्यक्ति नहाता है, जो पेस्ट करता है, जिसको डिस्काउंट चाहिए, जिसको गिफ्ट चाहिए, जिसको 7वें महीने का प्रोडक्ट फ्री चाहिए, जिसको कैशबैक चाहिए, उसके साथ आप अननोन प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। मतलब कि आप किसी के साथ भी अननोन प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। अगर आप ऑटो में कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, अगर आप रिक्शे पे जा रहे हैं, अगर आप मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हैं, अगर आप बस में रोडवेज की बस में ट्रेवल कर रहे हैं, तो आप कहीं भी प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो। अननोन प्रोस्पेक्टिंग कहाँ हो सकती है, किसी स्कूल के अंदर जाकर हो सकती है, किसी बुटीक में जाकर बात हो सकती है, किसी ब्यूटी पार्लर में जाके हम अननोन प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, या फिर कोई इंस्टीट्यूट है, कोचिंग इंस्टीट्यूट, वहां पर आप अननोन प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो। कहीं पे भी अननोन प्रोस्पेक्टिंग हो सकती है दोस्तों। आप लिफ्ट में जा रहे हो, वहां पे आप अननोन प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो। आपने मैकडोनल्ड से बर्गर खरीदा, वहां पे अननोन प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो। कैसे करें, क्या करना चाहिए, अगर आप मान लीजिए मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हैं, आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, आप कहीं बस में कहीं भी ट्रेवल कर रहे हैं, तो मैं जो करती हूँ ना, मैं आपको बताती हूँ। देखो बोलते हैं ना, कोई अच्छी चीज के लिए छोटे मोटे झूठ चलते हैं, तो छोटा सा झूठ मैं अभी बोलती हूँ। मैंने आपको कहीं देखा है, देखा नहीं होता पर बोल देती हूँ कि आपको कहीं देखा हुआ है। अब जब आप ऐसे बात किसी से, आप कहीं मेट्रो में आप जा रहे हैं, आप किसी को कॉन्टिन्यूसली देख रहे हैं, वो आपको कॉन्टिन्यूसली देख रहे हैं, और आप एकदम से अचानक से स्माइल पास करोगे तो क्या होगा, वो भी स्माइल पास करेगा। अगर आप उसको स्माइल पास करोगे, वो भी अगर आप झापड़ दिखाओगे, वो झापड़ मार देगा, लेकिन स्माइल पास करोगे तो वो भी ऑब्वियसली स्माइल करेगा। कुछ होंगे खड़ूस लोग जो स्माइल नहीं करेंगे, लेकिन हम क्या करें, हम ना स्माइल पास कर सकते हैं उनको। और स्माइल मैंने जनरली लेडीज से ही बात करी आज तक, मैंने ज्यादातर नेटवर्क अननोन के साथ ना लेडीज के साथ ही बनाया, क्योंकि मेरे को ज्यादा कंफर्टेबल फील होता था। तो लेडीज लेडीज के साथ नेटवर्क बना सकते हैं और जेंट्स जेंट्स के साथ। और मैंने क्या किया, मेट्रो में अगर मैं ट्रेवल कर रही हूँ तो आंटी आपको ना कहीं देखा हुआ है, तो कहती है बेटा कहाँ देखा है, ऐसे मतलब मैं तो वहां रहती हूँ, ऐसे ना बातों में से क्या होता है ना, बात निकलना स्टार्ट हो जाती है। जब आप ये चीज को बोलते हो तो बातों में से बातें निकलना स्टार्ट हो जाती है, और जब वो आपके साथ बात करना स्टार्ट कर देती है और भी आपको उनसे इंटरेक्ट करके अच्छा लगने लगता है, वो आपके साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो उसके बाद आप नंबर एक्सचेंज कर सकते हो। मैंने भी यही करा, बातचीत करी, स्माइल पास करी, नंबर एक्सचेंज किया। कुछ लोगों ने कभी नंबर नहीं भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश करी।
हम लोग क्या कर सकते हैं, मैंने क्या कर रखा है, कार्ड्स बनवा रखे हैं, कार्ड्स अपने विजिटिंग कार्ड्स बनवाए और उसमें मैंने मतलब मोदी केयर या कुछ चीज एंटर नहीं, मतलब उसमें नहीं लिखवाया मैंने, उसमें इस चीज वांट टू वर्क पार्ट टाइम, वांट टू अर्न इनकम इन पार्ट टाइम, ऐसे करके आप कुछ मैटर कार्ड्स पे डलवा सकते हो। 300 रुपए में ना 1000 कार्ड बन जाते हैं, 300 या 400 रुपए में 1000 कार्ड बटेंगे, बांटो जितना बांट सकते हो बांटो। मैं कार्ड्स को हर जगह बांटती हूँ, अगर मैं पिज्जा हट में पिज्जा भी ले रही हूँ, ऑर्डर कर रही हूँ, तो साथ में बोल देती हूँ भैया आप यहाँ पे जॉब करते हो, यहाँ जॉब के साथ साथ क्या आप पार्ट टाइम में पैसा कमाना चाहोगे? वो बोलते हैं हाँ मैडम बिल्कुल, ये भैया मेरा कार्ड है, अब आपके पास जब भी आप समय हो ना तो आप बताना और फिर मिलके हम बात करेंगे। तो जब मिलने गई, पापा के साथ चली गई, या पहले तो ऐसे करती थी, अब दिग्विजय जी और हम साथ में जाते हैं, तो आपने क्या करना ना अननोन प्रोस्पेक्टिंग कार्ड्स रखो, तुरंत जैसे ही आपको जो इंसान दिखे और आपको लगता है कि यार वो कमाना चाह रहे हैं, हर कोई कमाना चाहता है पार्ट टाइम में इनकम, 1000 कार्ड बांट दो ना, दिन में 20 कार्ड बांटो, 50 कार्ड बांटो, कोई दिक्कत नहीं। एक भी अगर कॉल बैक आता है तो फिर क्या कर सकते हो आप, मिलकर उनसे बात कर सकते हो, उनसे प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो, उनको डेमोस दिखा के उनको अपने साथ में ज्वाइन करा सकते हो। लेकिन कुछ लोग अक्सर क्या गलती करते हैं कि वो चलती मेट्रो में या चलते ऑटो में या ट्रेवल करते ही ना वो डेमो किट खोल के वही मेट्रो में डेमो चालू कर देते हैं। कुछ लोग ना पेशेंस नहीं रखते, तो हमें क्या करना है इस चीज में ना, हमें पेशेंस रखना है। पहले आपने जब उनसे नंबर एक्सचेंज किया उसके बाद क्या करना है, आपको ना उनके साथ दोस्ती बनाने का काम करना है। जब आपने उनको हैप्पी दिवाली विश कर दिया, हैप्पी होली विश कर दिया, आपकी उनकी कोई डीपी लगी थी, आपने उनकी तारीफ कर दी कि यार आपकी डीपी में तो ये चीज बहुत अच्छी लग रही है, आपके तो मतलब किसी भी चीज में आपने मतलब जो बोलते हैं ना एक्चुअल चीज आपने उनको कमेंट करना है, अगर कोई पॉजिटिव और अच्छा कमेंट है उनके लिए तो आपने उनकी तारीफ कर देनी है उस चीज को लेकर। तो ऐसे जब हम ये चीजें जब हम करते हैं फॉलो रेगुलर बेसिस पे, तो धीरे धीरे वो आपके साथ बात करने में बंदा जो होता है सामने वाला वो कंफर्टेबल हो जाता है, और जब वो कंफर्टेबल हो जाता है, जब अच्छी से आपकी फ्रेंडशिप हो जाएगी, उसके बाद आप उनको बिजनेस के तरफ लेकर जा सकते हैं। जल्दी मत मचाना, अननोन पे काम करेंगे, रिजल्ट जरूर आएगा लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। मैंने एक है मेरी टीम में, एक बहुत अच्छी लीडर है, उनकी बहुत जल्दी कार आने वाली है। पार्लर्स पे जाकर मैंने जब प्रोस्पेक्टिंग में करती थी तो मैंने बहुत से पार्लर्स पे जाकर बात करने की कोशिश करी, और जब मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने मेरे को ना तुरंत रिजल्ट, मेरे को रिप्लाई नहीं किया, लेकिन ना उनको ना मैं जब उनके पास जाती थी तो उनसे उनको ना मेरे से बात करना अच्छा लगता था और मेरे को उनसे बात करना अच्छा लगता था। तो एक्चुअली जिस पार्लर पे मैं जाती थी वो हमारा रजौरी गार्डन ऑफिस है दिल्ली का, उसके पीछे ही था वो पार्लर। तो हम वहाँ पे फ्राइडे वीकली मीटिंग, हमारे जैसे अपलाइंस बताते हैं तो वीकली मीटिंग हम फॉलो करते थे, तो फ्राइडे को जब भी मैं वहाँ पे वीकली मीटिंग करने जाती थी ना, उनसे वैसे ही हाय हेलो करने जाती थी, और दीदी क्या हाल चाल है, सब बढ़िया। तो ना उनको मेरा नेचर बड़ा अच्छा लगने लगा, उनको ना मैं प्यारी लगने लगी, आप ही लगा लो, और मेरे को वो दीदी मेरे को अच्छी लगने लगी कि यार बहुत अच्छी है, तो हमेशा बड़े प्यार से बुलाती है, पानी पिलाती है। तो जब भी जाती थी ऐसी चक्कर लगाने चली जाती थी, कभी तो ज्वाइन होंगी, दूसरे तीसरे शायद चौथी बार में उन्होंने मुझे अपना आधार कार्ड निकाल के दे दिया था, और आज वो इस बिजनेस में प्लेटिनम डायरेक्टर है, थाईलैंड का ट्रिप लेकर आ चुकी है और बहुत जल्दी उनकी कार आने वाली है। तो कैसे मिली थी, अननोन प्रोस्पेक्टिंग से। पर मैं अगर ये सोचती यार मैं आज गई कल उन्होंने आईडी नहीं दिया अब तो मैं छोड़ दूँ, फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अननोन प्रोस्पेक्टिंग के टाइम पे आपको फॉलो अप अपना बहुत स्ट्रांग रखना है और पेशेंस लूज नहीं करना, करते रहो फॉलो अप, करते रहो, कभी ना कभी वो इंसान आपके साथ आ जाएगा और फिर देखना कि बिजनेस जो है वो अपने आप ही ग्रोथ पकड़ना स्टार्ट कर देगा। फेसबुक से हम प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, इंस्टाग्राम से हम अननोन प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, जो भी आपका कोई, अगर आपको कार, आपकी अपलाइन को किसी को कार मिली और आपकी कार के साथ उनकी फोटो है तो आप उसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओ, अपने फेसबुक स्टेटस पे लगाओ। आपने कोई, आपको माला मिली है, आपने 10% 13% कोई भी लेवल अचीव करा है, मेडल पहन रखा है, उसकी फोटो अपने स्टेटस पे लगाओ, थैंक्स टू मोदी केयर। आपने अपने कोई ड्रीम गोल सेटिंग, जैसे आप सबको पता है कि गोल सेटिंग इस बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने गोल सेट कर रखे अपनी कार का, उसके ऊपर डेट डाली हुई है, उसका फोटो अपने स्टेटस पे लगाओ ताकि लोग आपसे खुद पूछे, उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी क्रिएट हो कि भाई ये कर क्या रहा है, ये तो कार लेने वाला है, इसको तो मेडल मिला है, वो खुद आपसे, उनके दिमाग में क्वेश्चन मार्क आ जाए। ऐसा कुछ हमें करना है कि बंदा खुद आगे से आके हमें पूछे। हम सब ने बिजली बम देखा है, बिजली बम में क्या होता है कि हम लोग उसमें बिजली बम में ना थोड़ा सा चिंगारी लगा देते हैं और फिर पीछे हो जाते हैं और फिर वो बम अपने आप फटता है। तो हमें चिंगारी लगानी है दोस्तों, चिंगारी लगा के थोड़ा पीछे होना भी जरूरी है।
कुछ लोग क्या करते हैं फॉलो अप में इतना ज्यादा घुस जाते हैं कि बंदे को इरिटेट कर देते हैं, वो भी नहीं करना। थोड़ा सा उनके दिमाग में कुछ मतलब उनके अंदर कुछ ऐसी चीज आ जाए कि भाई क्या है ये चीज, वो खुद जानने के लिए क्यूरियस हो, और फिर आप पीछे हो जाओ, भाई मेरे पास अभी थोड़ा सा टाइम नहीं है, मैं तेरे से जल्दी आकर मिलता हूँ। तो कुछ ऐसी चीजें हमें करनी है दोस्तों अननोन प्रोस्पेक्टिंग के लिए, जिससे हमारा जो बिजनेस है वो डेफिनेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और आप अननोन प्रोस्पेक्टिंग कैसे कर सकते हो, आप बस में ट्रेवल कर रहे हो, आप वहां पे बातचीत कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया इंस्टीट्यूट में, पार्लर्स में, मैंने स्कूल में भी, एक गवर्नमेंट स्कूल में मैं एक बार ऐसे ही चली गई थी, और वहां पर जाकर मैंने क्या सोचा कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल होंगी ना उनसे मिलती हूँ। तो मैं प्रिंसिपल मैम से मिली और मैंने उनसे बोला कि मैम यहाँ पर प्रिंसिपल कौन है, मुझे नहीं पता था, मैं ऐसे ही घुस गई थी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर और वहां पे गेट खुल रहे थे, वहां पे कोई गार्ड नहीं था, तो चली गई और एक ऑफिसर था वहां पे पहुंची और मैंने कहा मैम यहाँ पे प्रिंसिपल कौन है, तो कहती बताओ आपको क्या काम है। तो मैंने कहा मैम मेरे को ना एक्चुअली मेरे पास बहुत अच्छा कुछ स्किन और हेल्थ केयर से रिलेटेड चीजें है, तो यहाँ की जो टीचर्स है ना उनमें मैं अवेयरनेस क्रिएट करना चाहती हूँ, मेरे को थोड़ा सा बस उनका टाइम चाहिए, आप अगले हफ्ते बोलोगे, उससे अगले हफ्ते बोलोगे, जब आप बोलोगे मैं आ जाऊंगी, आप बता देना कौन सा टाइम सुटेबल है, मतलब प्रिंसिपल मैम से वो चीज मेरे को बात करनी थी। तो उन्होंने मेरे को घड़ी की तरफ देखा और बोली तुम ना 2 बजे आ जाना, मैं 12:30 के आसपास गई थी, और 2 बजे क्या हुआ कि 2 बजे मैं वहां पहुंची, मैंने वहां टीचर्स के साथ मीटिंग करी, और वहां से दोस्तों फर्स्ट मीटिंग में मैंने करीबन 3,500 से 4,000 रुपए का ऑर्डर निकाला था। और अब वहां पर मतलब इस बात को आज से 3-3.5 साल पहले की बात है, और वहां से अब वो जो टीचर्स हैं, कोई यहाँ पर सीनियर डायरेक्टर है, कोई एग्जीक्यूटिव है, कोई प्लेटिनम डायरेक्टर बन चुकी है, वही स्कूल जिसमें मैंने अननोन प्रोस्पेक्टिंग ऐसे ही जाके कर ली थी। तो अननोन प्रोस्पेक्टिंग से ना बहुत ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स आते ही आते हैं, और अगर हम इसको काम में लेंगे तो हमारे पास बहुत से लोग आ जाएंगे। बस स्माइल पास कीजिए, लोगों से फ्रेंडशिप कीजिए, सिर्फ एक झूठ बोलिए कि मैंने आपको कहीं देखा हुआ है, और फिर उसके बाद उनके साथ आप आगे बिजनेस को भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं बस यही कहना चाहूंगी कि इससे बहुत ज्यादा रिजल्ट आता है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि नोन प्लस अननोन हमें करना है, जिससे कि हमारे को बहुत अच्छे से इफेक्टिवली रिजल्ट मिले। एक चीज आपको और एग्जांपल बताना चाहूंगी, थोड़े दिन पहले हम लोग ना चंडीगढ़ जा रहे थे, मैं और दिग्विजय जी, वहां पे ना पुलिस वाले ने हमारा चालान काट लिया। तो जब पुलिस वाले ने चालान काटा हमारा, तो उसने हमसे क्या मांगा, वो ड्राइविंग लाइसेंस मांगा। तो उसने ना बोला गाड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है आपकी, बड़ी प्यारी है गाड़ी, तो उन्होंने जैसी गाड़ी के लिए पूछा, तो जैगवार में गए जा रहे थे हम, तो ओवर स्पीडिंग का था चालान, तो कह रहा कि आपकी ना गाड़ी बहुत सुंदर है। तो हमने उनको ना बीच रास्ते में ही बता दिया कि ऐसे ऐसे बिजनेस होता है और ये है, आपने हमें अब कभी टाइम देना, हमें ये बिजनेस से अचीवमेंट मिला है। तो उसने बोला क्या करना पड़ता है, उसने खुद ही पूछ लिया, बहुत इंटरेस्ट दिखा रहा था। तो उस समय हम रुके नहीं और हमने बता दिया कि ऐसे प्रोडक्ट लेने होते हैं और बस शेयर करना होता है। वो भादुरगढ़ के थे, हमें हमारा चालान कटा था चंडीगढ़ जाते हुए, मेरा ख्याल सोनीपत से आगे। तो वो कहते हैं कि अच्छा क्या करना पड़ता है, तो हमने उनको सारी, और उसी टाइम पुलिस वाले ने, हमने उनको अपना वो दिया डीएल, उन्होंने उसी टाइम हमें आधार कार्ड दे दिया, कह रहे मेरे आईडी तो जोड़ देना, और भादुरगढ़ आप आते हो ना, हमारी भादुरगढ़ भी टीम चल रही है, तो भादुरगढ़ जब आप आओगे तो आप मेरे को तब और अच्छे से एक्सप्लेन करना, अभी आधार कार्ड ले लो। साथ के साथ पुलिस वाले ने हमारे को आधार कार्ड देके हमारे साथ वहीं के वहीं ज्वाइन कर लिया। तो आप अननोन प्रोस्पेक्टिंग कहाँ कर सकते हो, कहीं भी, आप किसी को भी कैच कर सकते हो कि उसका इंटरेस्ट कहाँ डेवलप हो रहा है, और उसी चीज को आप वहां पर, मैं पता क्या करती हूँ, लिफ्ट में जा रही होती हूँ ना, हाँ आंटी इस बार तो 2 लाख रुपए का चेक है आपका कन्फर्म, हाँ बहुत बढ़िया चल रहा है काम, जानबूझ के लिफ्ट में। अब लिफ्ट में जितने लोग जा रहे होते हैं वो सोचते हैं क्या करती है, कुछ तो पूछ ही लेते हैं। तो प्रोस्पेक्टिंग करने के ना बहुत से तरीके, थोड़ा सा दिमाग को यूज करके ना आप बहुत तगड़े तरीके से प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो। तो बस आज के लिए मैं इतना ही बताना चाहूंगी, बाकी हम फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तो और थैंक यू करूंगी सुरेखा मैम को, जिन्होंने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, यहाँ पर बुलाया, और सुरेखा मैम आपने हमें बुलाया यहाँ पर, लेकिन हम तो सब कुछ आपसे ही सीख कर यहाँ तक पहुंचे अननोन प्रोस्पेक्टिंग में, तो आप मास्टर हो नोन और अननोन प्रोस्पेक्टिंग में, और सब कुछ आपसे सीखा हुआ है। थैंक यू सो मच सुरेखा मैम, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग। थैंक यू माय गॉड, कितना स्वीट एंड कितना एनर्जेटिक एंड कितना ऑनेस्ट प्रेजेंटेशन है तुम्हारा। वही तुम जो करती हो वही तुमने बताया है, एंड जो करती हो वो इतना एंथुजियास्टिकली करती हो, और उतना ही एंथुजियास्टिकली तुमने सब कुछ शेयर किया है, एंड लोगों को अगर ये बात समझ में आ जाए कि इट्स फन,
प्रोस्पेक्टिंग इज फन, उसमें मजा है, उसमें आनंद है। कहते हैं ना सांप सीढ़ी का गेम, किसी ने हाँ कर दी तो सीढ़ी से चढ़ गए, किसी ने मना कर दिया तो सांप से उतर गए। 100 का हमको कभी इंतजार है ही नहीं, आज 1 करोड़ कमाने लगेंगे तो 2 करोड़ की सोचने लगेंगे, 2 करोड़ कमाने लगेंगे तो 5 करोड़ की सोचने लगेंगे। सो दिस इज रियली फैंटास्टिक। जोरदार तालियां अक्षी मैं तुम्हारे लिए बजाना चाहती हूँ, इतनी छोटी सी उम्र में जितनी गहराई तुम्हारी सोच में है। देखो बात मजाक की नहीं है, ये जो तुमने सफलता पाई है ना, किया यही है, बट इसमें कंसिस्टेंसी रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें वही वही बार बार करना बोर हुए बिना। एक तुम्हारी एज में ना चंचल हो जाते हैं लोग, मन मचल जाता है, चलो अब ये कुछ नया कर लेते हैं, अब ये कुछ नया कर लेते हैं। नहीं, तुमने एक बार सही गलत सीख लिया और फिर उसमें लगातार कंसिस्टेंसी जो बनाए रखी, स्थिरता दिमाग की बनाए रखी और मेहनत करी है, तो तुम यहाँ पहुंची। और कोई भी जो फॉलो करेगा वो यही कर सकता है। मैं जोरदार ताली तुम्हारे लिए बजाना चाहती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। फैंटास्टिक, राइट फ्रेंड, छोटी छोटी सी टिप्स आपके काम आ सकती हैं। कहते हैं ना कि भगवान जब देता है छप्पर फाड़ के देता है, पर छप्पर वो तब नहीं फाड़ता जब आप घर में बैठे हो। छप्पर फाड़ेगा, आप घर में बैठे हो तो चोट लग जाएगी ना आपको, तो जब आप सड़कों पर होते हो तब ही छप्पर फटता है। पर बात भी तो सही है कि अगर सड़कें जन्नत की ओर जाती हो तो सड़कों पर रहना अच्छा है। और ये ही सिखाता है प्रोस्पेक्टिंग का मूल मंत्र, कि घर में नहीं बैठना है, बिस्तर में नहीं घुसे रहना है, आलस नहीं फैलाना है, आलस नहीं करना है, लगातार मन चलाते हुए, मन मचलाते हुए, सपनों को लेकर के खुश होते हुए छोटी छोटी सी बातें लोगों से करनी है और सफलता मिलती चली जाती है। पर देखो मैं अक्षी कह रही है मैंने सिखाया, पर आज आप समझ रहे हो मैं कितनी लकी हूँ। आज सुबह से लेकर के शाम तक की ये फुल डे वर्कशॉप है और मुझे कुछ नहीं करना, मेरा कोई सेशन नहीं आज। आज मेरी टीम, मेरे लीडर्स, मेरे एक से एक हीरे मोती जो हैं वो इस बिजनेस मीटिंग में, इस वर्कशॉप में प्रेजेंटेशन कर रहे हैं और मैं सिर्फ उन लोगों को एंजॉय कर रही हूँ। आप भी पहले करोगे करोगे करोगे, फिर सिखाओगे सिखाओगे, फिर सिखाना सिखाओगे और फिर मेरी तरह दादी बन करके बस अपने लोगों को सफलता पाते और सफलता सिखाते हुए देखोगे, शान से उनके लिए ताली बजाओगे। आइए फ्रेंड्स, एक और ऐसे ही लीडर जिनकी, जिनका नाम हम गर्व से लेते हैं, जिनके लिए तालियां हम बहुत दिल से बजाते हैं और जिनकी तो तालियों में भी बहुत शोर है, बहुत एंथुजियास्टिक हैं, लाफिंग बुद्धा के नाम से जाने जाते हैं। पर मुनीश जी और पूजा जी दोनों ही बहुत मेहनती हैं, कोल्ड सर्किल वॉर्म सर्किल दोनों में प्रोस्पेक्टिंग में एक्सपर्ट हैं और इसीलिए आज के सेशन में इनवाइटेड हैं। मैं बात कर रही हूँ हमारे ग्लोबल बैंक डायमंड डायरेक्टर्स मैक अचीवर मुनीश चोपड़ा जी एंड पूजा चोपड़ा जी का। जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहेंगे इन दोनों का, ग्रेट कपल। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सो गुड मोदीकर मॉर्निंग दोस्तों। सबसे पहले मैं बहुत अपने आप को लकी समझता हूँ, आज सुरेखा जी ने हमें एक नेशनल लेवल पे कुछ नॉलेज शेयर करने का मौका दिया। सो वंस अगेन थैंक यू मैम, आज जो भी कुछ है आपकी बदौलत ही है। नाम दोस्तों अगेन मुनीश चोपड़ा, बाय प्रोफेशन मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। इस बिजनेस से पहले मैं जॉब करता था आईटी डिपार्टमेंट के अंदर, इंफोसिस हिंदुस्तान की लीडिंग कंपनी है, वहां पर सीनियर लेवल पे था मैं। जॉब ठीक चल रही थी, बढ़िया था, लेकिन सपने बड़े बड़े थे इसलिए मुझे टिका नहीं था। कभी कई जॉब बदली, कई बिजनेसेस किए, लास्ट मैंने अपना कंसल्टेंसी का भी काम किया, लेकिन सपने और बड़े बड़े थे। इवन के अंग्रेजों की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में भी काम किया, वहां से बहुत कुछ सीखा भी मैंने। और 6 साल पहले दोस्तों जब वहां पर सपने नहीं पूरे हो रहे थे दोस्तों, तो थैंक गॉड मोदी केयर आई हमारे घर पे और हमने इसको देखा तो हमने शुरू कर लिया। पहले प्रोडक्ट्स यूज करने शुरू किए, करते 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 दोस्तों सीखना शुरू किया, मीटिंग और ट्रेनिंगों में आना शुरू किया और आज 6 साल के सफर के अंदर दोस्तों विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड और अपलाइन की ब्लेसिंग के साथ और टीम की हेल्प के साथ और समीर सर की छत्रछाया के अंदर दोस्तों मैंने 4 गाड़ियां ली इस बिजनेस से, केटन, स्कॉडा, फॉर्च्यूनर फुली ऑटोमेटिक। और अभी फ्यू मंथ्स बैक शिवरात्रि वाले दिन मैंने अपनी सपनों की गाड़ी टॉप मॉडल एक्सी जैगुआर गाड़ी ली रेड कलर की। और कहा मैं किराए के घर पे था पहले, इस बिजनेस में आकर दोस्तों मैंने 3 घर लिए, 2 चंडीगढ़ के लिए अंदर लिए, एक बड़ा फ्लैट, एक छोटा फ्लैट और एक बहुत ही प्यारा ड्रीम विला हमने अमृतसर के अंदर, एक बहुत ही प्यारा टाउनशिप है, पॉश टाउनशिप है, होली सिटी, वहां पर हमने एक विला लिया। वहां बहुत सारे सेलिब्रिटीज रहते हैं लाइक सिद्धू साहब, नवजोत सिंह सिद्धू जी, कपिल शर्मा, वहीं पर ही मोदी करके सेलिब्रिटी भी रहते हैं दोस्तों जिनका नाम है मुनीश चोपड़ा और पूजा चोपड़ा। तो ये सारा कुछ समीर जी करके हुआ, मोदी करके हुआ, हमारे अपलाइन सुरेखा जी करके हुआ दोस्तों। तो आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में बात करेंगे, वो है दोस्तों प्रोस्पेक्टिंग। तो आज हम जो बात करेंगे वो प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर दोस्तों बात करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रोस्पेक्टिंग क्यों जरूरी है दोस्तों इस बिजनेस के अंदर। मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, जैसे जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है ना जरूरी, ऑक्सीजन ना हो तो बंदा
मर जाता है। सेम दोस्तों नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर ऑक्सीजन की तरह ही प्रोस्पेक्टिंग काम करती है। इस इंडस्ट्री के अंदर दो लोग हमेशा बहुत खुश रहते हैं और हमेशा एक्साइटेड रहेंगे, एक वो लोग दोस्तों जिनको पैसा बहुत आता है और दूसरे वो लोग दोस्तों जिनकी लिस्ट बढ़ती रहती है, जो प्रोस्पेक्टिंग करने में एक्सपर्टीज हासिल कर लेते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों वो चीज जो ऑक्सीजन की तरह काम करती है वो हमने कैसे करनी है। तो जो हम बात करेंगे वो दो ऊपर टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, एक वार्म सर्कल के ऊपर, एक कोल्ड सर्कल के ऊपर। वार्म सर्कल में दोस्तों जो भी हमारे नोन होते हैं, कभी भी किसी को नेवर एवर प्रीजज एनीबडी, जो भी आपके दोस्त आपके रिश्तेदार हैं, जहां आप जॉब करते हो, जहां फेसबुक के जो कॉन्टेक्ट हैं, आपके पड़ोसी हैं, जहां आपके फोन के अंदर जितने भी नंबर हैं, जो रोज आपको लोग मिलते हैं दोस्तों, कभी भी किसी को प्रीजज नहीं करना। एक बात याद रखना, अगर कभी भी आपने प्रीजज किया तो कई बार पछताना पड़ सकता है दोस्तों। हमारी टीम के अंदर एक भाई साहब थे, उनकी एक आंटी जी थे, वो काफी रिच थे, तो उन्होंने बोला सर इनको क्या जरूरत है, उन्होंने नहीं करना, प्रीजज किया उसने। और बाद में कुछ महीनों बाद एक मीटिंग में बैठा था, सीनियर डायरेक्टर आए स्टेज के ऊपर, तो एक लेडी आ रहे थे, बोल रहा ये तो मेरी बुआ है, ये तो मेरी बुआ है। मैंने कहा भाई आप तेरी बुआ कहाँ रही, बुआ तो उसकी जितने ज्वाइन करवा लिया। तो न भी कभी भी आपने किसी को प्रीजज नहीं करना दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अब कोल्ड सर्कल के ऊपर, राइट। तो मेन कई बार लोग गलती क्या करते हैं, वार्म सर्कल को छोड़ देते सीधा कोल्ड सर्कल पे आते। तो जैसे अक्षय जी ने बोला था ना, वार्म सर्कल से ज्यादा बढ़िया रिजल्ट आते हैं पहले, ठीक है, और बाद में कोल्ड सर्कल भी हमने साथ साथ करना आता है। कुछ लोग बहुत बड़ा ब्लंडर कर देते हैं, शुरू में क्या करते हैं सीधा कोल्ड सर्कल को पकड़ने की कोशिश करते हैं, वहां से रिजल्ट नहीं आते और वार्म सर्कल से बात नहीं करते, फिर बोलते हैं काम नहीं चलता, फिर बोलते हैं सर हमें तो लोग नहीं जानते, ये है वो है। दोस्तों एक बात याद रखना, वार्म सर्कल से हमेशा अच्छे रिजल्ट आते हैं शुरू में, लेकिन कोल्ड सर्कल इज ऑल्सो इक्वलेंट इंपॉर्टेंट और मोर इंपॉर्टेंट। मैं तो ये बोलूंगा, मैं इस टाइम ग्लोबल ब्लैक डायमंड हूं और दोस्तों मेरी 20 लैक्स डायरेक्टर हैं और शुरुआत मैंने वार्म सर्कल से की थी, राइट। लेकिन वार्म सर्कल की जो मेरी टीम्स हैं वो 5 टीम्स हैं और जो 15 टीम्स हैं मेरी दोस्तों वो सारी की सारी कोल्ड सर्कल से आई हैं। और अगर मैं प्रोस्पेक्टिंग ना करता दोस्तों तो आज की डेट में भी मैं प्लेटिनम डायरेक्टर होता, कभी जिंदगी में जीबीडी नहीं बनता। तो सच में बताऊं, अगर कोई भी आपकी दुकान है दोस्तों, कभी भी आपकी दुकान या कोई फैक्ट्री आपके सिर्फ और सिर्फ रिश्तेदारों या दोस्तों के सिर पे नहीं चलती, वो भी आते हैं लेकिन जो स्ट्रेंजर्स होते हैं वो ज्यादा आपकी दुकान पे आते हैं, आपके बिजनेस पे आते हैं सामान लेने, लेकिन जो शुरुआत होती है वो वार्म सर्कल से होती है। तो ये बात याद रखना, जो हमने पहला टारगेट करना वो वार्म सर्कल करना है, उसके बाद फिर हमने कोल्ड सर्कल के ऊपर जाना है। तो कोल्ड सर्कल के अंदर भी दो तरह की प्रोस्पेक्टिंग होती है दोस्तों, एक होती है ऑफलाइन, एक होती है ऑनलाइन। जो ऑफलाइन थी वो सारी ऑलमोस्ट ऑक्सीजन कवर कर चुके हैं, उसमें मैं भी कुछ एक दो पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। मैं तो जब भी किसी को मिलता हूं, जहां कभी एयरपोर्ट पे जाते हैं, स्टेशन पे जाते हैं, बस पे, या बैंक पे, कहीं भी गए, तो हमेशा चेहरे पे एक बात याद रखनी है, हमेशा चेहरे पे स्माइल रखनी है, ठीक है। तो जैसे रडार नहीं ऐसे ऐसे घूमता था, ऐसे 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 ऐसे, तो आंखों में स्कैनर लगा के रखना है, मतलब लोगों के साथ कोशिश करनी है स्माइल रख के ऐसे ऐसे फेस घुमाते रहना है। तो आप देखना, कोई ना कोई जैसे ही आपकी तरफ आई कॉन्टेक्ट करेगा ना, तो आपकी स्माइल निकलेगी, उसको लगेगा यार मुझे देख के स्माइल कर रहा है। लेकिन एक बात याद रखना, मेल मेल को करेंगे, फीमेल फीमेल को करेंगे, ठीक है, उल्टा नहीं करना, ठीक है। तो जैसे ही कोई स्माइल करता है तो मैं भी स्माइल कर ऐसे विश कर देता हूं ऐसे, ठीक है, नमस्कार जी, नमस्कार जी, मेरा तो पैट डायलॉग है, सुरेखा जी से हमने सीखा है, नमस्कार जी, नमस्कार जी। कई लोगों को आदत नहीं होती, क्या करना, आपने सुबह सुबह रोज उठकर मिरर के सामने ऐसे खड़ जा करो और प्रैक्टिस किया करो 20-25 बार, नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी नमस्कार बोलने का। आप देखना घर पे भी नमस्कार नमस्कार बोलना शुरू कर दोगे। और अगर स्माइल नहीं, स्माइल की आदत नहीं है, तो क्या करना, दो टूथपिक लेना यार, जब माचिस की तीली लेना, एक कितने कैसे ऐसे ऐसे प्रैक्टिस कर लो, स्माइल तो करनी पड़ेगी अगर आप जीबीडी जाना चाहते हो ना, अगर आप लाखों करोड़ों रुपया कमाना चाहते हो नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर, तो सबसे बड़ा टूल पता क्या है, स्माइल 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 स्माइल, हंसते जाओ हंसते जाओ हंसते जाओ हंसते। लोग जो होते एक मैग्नेट की तरह काम करते हैं दोस्तों, लोग अपने आप खींचे चले आएंगे। तो जैसे कोई मेरे पास बंदा आता है तो मैं स्माइल देता, नमस्कार बोलता हूं, तो मैं ये नहीं बोलता आपको कहां देखा, तो मैं पता क्या बोलता हूं, मैं क्वेश्चन पूछता हूं, भाई साहब आपको क्या लगता है हम कहां मिले हैं पहले, तो हुआ क्या, बॉल मेरे कोर्ट में नहीं आई, बॉल उसके कोर्ट में चलेगी, तो वो भी सोचना शुरू कर देता है। तो जितनी देर में सोचता है फिर बात शुरू कर लेते हैं, अच्छा आप क्या करते हो, आप कहां से बिलोंग करते हो। तो जैसे वो 2-3 बातें बोलता है ना, तो हमें उसमें से फिर एक पॉइंट निकाल लेना होता है,
अगला क्वेश्चन करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक बार वहां से आ रहा था, हैदराबाद से आ रहा था फ्लाइट के अंदर, तो एयरपोर्ट पे के भाई साहब मिल गए, तो मैंने ऐसे नमस्कार किए. मैं कहा नमस्कार जी, नमस्कार जी. तो बातचीत शुरू, मैंने कहा सर अच्छा आप कहाँ रहते हो? बोलते मैं लुधियाना रहता हूँ. मैं अच्छा लुधियाना रहते हो? एक बार जो भी उसने बोला उसी सेंटेंस को एक्साइटमेंट के साथ आपने रिपीट कर, अच्छा लुधियाना रहते हो, वेरी गुड. तो हैंडशेक कर लेते दोबारा एक बार, तो उसको लगता पता नहीं इसका क्या अटैचमेंट है लुधियाने के साथ. तो बोल देता हूँ मैं भी, ओ यार मेरे भी एक बहुत अच्छे दोस्त है, मेरे रहते हैं, तो दोस्त तो हमारे पूरे हिंदुस्तान में रहते हैं नेटवर्किंग के अंदर. तो जिस भी शहर का नाम लेता वो बोल देना, उसका प्रोफेशन पूछ लेते हैं. अगर वो प्रोफेशन बोलता है तो प्रोफेशन के लिए भी, अच्छा आप बिजनेसमैन हो, अच्छा आप प्रोफेसर हो, तो बोलता हूँ यार मैंने भी अपना करियर प्रोफेसर से शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था. तो जहाँ बोलते हो अच्छा वेरी गुड, यार मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो भी प्रोफेसर है. तो करना क्या, याद रखना आपने ऑफलाइन कोल्ड प्रोस्पेक्टिंग के अंदर ज्यादा बातें ऐसी करनी है जहां उन बातों के ऊपर ज्यादा रिएक्ट करना है जो कॉमन होती है, जहां जब आपने कन्वर्सेशन करनी है ना जो डिस्टेंस है बीच का उसको कम करना है आपने. डिस्टेंस मतलब कि सिमिलैरिटीज को हाईलाइट करना ताकि उसको लगे यार ये बंदा अपने अपने जैसे ही बंदा. तो उससे होता क्या, धीरे धीरे दोस्ती होनी शुरू होती है, उनके नंबर ले लेते हैं दोस्तों. कई बार तो मौके पे ही बात कर लेते हैं, कई बार क्या था पहले रिलेशनशिप बिल्डिंग करनी पड़ती है. जैसे मैं अभी पीछे हम एक शॉप पर गए कुछ कपड़े लेने थे, तो मैंने कहा यार कलेक्शन बड़ी अच्छी आपकी, तो उन्होंने बोला, मैंने कहा बहुत अच्छा बड़ी अच्छी जगह पे आपकी शॉप है, तो बोलते आप क्या करते हो? तो बस जब किसी ने बोला ना आपसे आप क्या करते हो, ये पॉइंट था पकड़ने वाला. तो मैंने बोला यार हम तो लोगों को पैसा कमाना सिखाते हैं, तो स्माइल करके बोला मैंने. तो वो पता क्या बोलता है, यार फिर हमें भी बताओ कैसा पैसा कमाते हैं. आज की डेट में दोस्तों कोविड में हर किसी को पैसा चाहिए, बैंड बजी हुई लोगों की, ठीक है. कोई स्टूडेंट मिलता तो हम ये बोल देते हैं हम यूथ को या यंगस्टर्स को एंटरप्रेन्योर बनाने के ऊपर काम करते हैं, ठीक है. जहां हम स्टूडेंट्स और हाउसवाइफ को पार्ट टाइम के अंदर विदाउट इन्वेस्टमेंट 20-25 हजार रुपया कमाना सिखाते हैं. जिस भी प्रोफेशन के लोग मिलते हैं वैसे बात करनी होती है. कई बार मौका था, मौके पे ये हम बोल देते हैं. कई बार क्या था, कई बार ना बंदा सामने थोड़ा सा प्रोफेशनल है, कई बार ईगो होती है, तो उसके साथ फिर थोड़ी दोस्ती डालनी पड़ती है पहले. तो वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करे. बोलते हैं जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना दोस्तों, धीरे 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 आपको पता चलता रहेगा, लेकिन आपको शुरुआत करनी पड़ेगी शुरू में, ठीक है. तो ये हो गया थोड़ा कोल्ड का. अब मैं आपको बताऊं जो मेरी 15 लेग्स मैंने कोल्ड प्रोस्पेक्टिंग से ली है, उसमें से 13 लेग्स मैंने डिजिटली ली है दोस्तों. तो आज हम थोड़ी सी बात डिजिटली करेंगे. आप कोविड करके बाहर जाना सही नहीं है, नॉट सेफ. और आज की डेट के अंदर दोस्तों घर पे रह के प्रोस्पेक्टिंग करना इज वेरी गुड. मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ. पिछले 3 महीनों में बहुत सारी प्रोस्पेक्टिंग की मैंने और पूजा जी ने. पूजा जी मेरे साथ बहुत काम करते हैं डिजिटली, वो बहुत एक्सपर्ट है प्रोस्पेक्टिंग के अंदर. तो हमने पिछले 3 महीने के अंदर 3 टीमें शुरू की, और पिछले महीने दोस्तों ये जो सितंबर का महीना निकला, तीनों की तीनों लगे ही दोस्तों जस्ट विद इन 90 डेज वो LBP पे चलेगी. एक लग ने 2 लाख भी किया, एक ने 1.5 लाख, और एक ने 1,10,000 भी किया. तो आज जो मैं ज्यादा बात करूंगा वो करूंगा डिजिटल प्रोस्पेक्टिंग ऊपर. आपने घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, आप डिजिटली कैसे प्रोस्पेक्टिंग करके जीवड़ी जा सकते हो दोस्तों, थोड़ा उसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा स्कोप बताना चाहता हूँ, ऑनलाइन कितनी स्कोप है दोस्तों. तो डिजिटल 2020 इंडिया, ये कुछ डाटा मैंने लिया नेट से, ये जनवरी का डाटा है. तो अभी तक ये, अब तो ये फिगर और भी बढ़ चुकी है. इसके डाटा के हिसाब से दोस्तों टोटल पॉपुलेशन हिंदुस्तान की 137 करोड़ है, जिसमें मोबाइल कनेक्शन है लगभग 106 करोड़ के आसपास, अब तो बढ़ चुके होंगे. और उसमें से दोस्तों 68 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट यूज करते हैं, और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं तकरीबन 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ही एक्टिव है सोशल मीडिया के ऊपर. ये था बिफोर कोविड. और अभी की बात करें तो तकरीबन मेरे ख्याल से अब तो 60-70 करोड़ लोग सोशल मीडिया पे हैं, राइट, क्योंकि सब लोग घर पे बैठे बैठे काम कर रहे हैं. और 50% दोस्तों जो हमारी पॉपुलेशन है ना इंटरनेट के ऊपर, वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक्टिव है वहां पर. और हर साल 23% से ज्यादा ग्रोथ हो रही है, और एक एवरेज इंडियन तकरीबन 6-6.5 घंटे सोशल मीडिया पे रहता दोस्तों. तो ये कुछ डाटा भी आपको दिखाता हूँ. YouTube के ऊपर जितना भी हमारा ट्रैफिक है डिजिटल मीडिया के ऊपर, 82% जो ट्रैफिक है वो YouTube के ऊपर है. Facebook के ऊपर 76% है, WhatsApp के ऊपर 70%, देन Instagram के ऊपर दोस्तों. ये कुछ और आपको फैक्ट्स बताता हूँ. ये लॉकडाउन में 72% ट्रैफिक दोस्तों बढ़ चुका है. ये जो मैंने पहले आपको डाटा बताया था ये था जनवरी का डाटा,
तब लोग फील्ड में बहुत अग्रेसिव थे, लेकिन अब लोग डिजिटली बहुत अग्रेसिव है, तो 72% ट्रैफिक बढ़ चुका है, स्क्रीन टाइम 25% इंक्रीज हो चुका है। मतलब अगर पहले लोग 6 घंटे मोबाइल पे रहते थे ना, इंटरनेट पे एक्टिव रहते सोशल मीडिया के ऊपर, तो दोस्तों 25% और लगा लो आप, इतना आजकल लोग मोबाइल पे रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग, जैसे अभी भी लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है जूम के ऊपर, पहले हम कहां यार जूम पे ऊपर मीटिंग करते थे, आजकल जूम के ऊपर मीटिंग कर रहे हैं, तो ये डबल हो चुकी है स्ट्रीमिंग। ये 2-3 महीने पहले का मैं आपको बता रहा हूँ डाटा, ठीक है। तो अब बात करेंगे हाउ टू फाइंड प्रोस्पेक्ट डिजिटली। दोस्तों मैं आपको एक बताऊं, डिजिटल रेवोल्यूशन जो है दोस्तों, इसने प्रोस्पेक्ट के साथ कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, बहुत मेजर रोल प्ले करा दोस्तों, जिससे कि लॉकडाउन के अंदर भी जबरदस्त मोमेंटम बना है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, जो प्रेजेंट और फ्यूचर है ना दोस्तों, वो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही है। सो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, इसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट कीजिए और नई नई स्किल सीखिए। दोस्तों ये एक पुल अप्रोच है, जब मैं भी खुद मार्केट में जाता था, जब प्रोस्पेक्टिंग करने, वो पुश अप्रोच दिया, लोगों को जाके खड़ा होना पड़ता था, कई बार लिफ्ट में गए, कहीं भी गए, कई बार वेट भी करनी पड़ती, चल बंदा फिर सामने आएगा, घूमकर वापस आएगा, फिर मैं समझ लूंगा, फिर उससे बात करूंगा, कई बार कई कई मिनट वेट करनी पड़ती थी, ठीक है। लेकिन ये दोस्तों क्या है, ये पुल अप्रोच है। कैसे, अब आगे उसके ऊपर बात करते हैं। आपको जैसा ऑडियंस चाहिए अपनी टीम के अंदर, वैसा आप टारगेट कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। ये बहुत इजी है यार, डिजिटल वर्ल्ड के अंदर अपनी प्रोस्पेक्टिंग करने में लिस्ट को बढ़ाते रहना बड़ा, इट्स वेरी वेरी इजी, राइट। तो कुछ टिप्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना दोस्तों, सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव होना है, परफेक्शन की वेट नहीं करनी यार, जस्ट स्टार्ट विद योर कंसिस्टेंट एफर्ट, धीरे 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 इंप्रूवमेंट होती रहेगी। आपने सबसे पहले अपना फेसबुक का, इंस्टा का क्या करना है, प्रोफाइल को क्लीन करना है। कई लोगों ने क्या किया होता है, कुछ फोटो भी उठपटांग लगाई होती हैं, कुछ आपने प्रोफाइल ढंग का नहीं लिखा होता, और कई बार कभी ने किसी दूसरी पॉलिटिक्स जो पार्टीज होती हैं उसकी खबरें लगाई होती हैं, किसी ने बीजेपी को कोई बुरा बोल रहा, कांग्रेस को आपको कोई बुरा बोल रहा है। तो दोस्तों एक बात याद रखना, आपके नेटवर्क के अंदर आने वाले जो लोग होंगे वो बीजेपी पार्टी से भी आएंगे, कांग्रेस से भी आएंगे, आपसे भी आएंगे, जितने भी पार्टी हैं, सब पार्टियों के लोग, सब धर्मों के लोग, सब रिलीजन के लोग आपकी टीम के अंदर होंगे। कभी भी आपने दोस्तों किसी धर्म के खिलाफ या किसी भी पार्टी के खिलाफ, पॉलिटिक्स के खिलाफ कभी भी कोई न्यूज नहीं डालनी, कभी भी आपने आर्गुमेंट्स नहीं करने फेसबुक के ऊपर, ठीक है। और आपने क्या करना है, अपना जो पोर्टफोलियो रेडी करके रखना, आपने जो भी अच्छे अच्छे मैसेज टेम्पलेट्स हैं, कुछ ट्रेवल की फोटोज हैं, कुछ इवेंट्स हैं, कुछ अचीवमेंट्स हैं, वो आपने हमेशा रेडी रखने हैं फेसबुक पे डालने के लिए, जहां लोगों को दिखाने के लिए। थोड़ा सा मैं आपको कुछ दिखा रहा हूं, जैसे कि आप कुछ ऐसा मटेरियल अपने पास रेडी रखो फोल्डर बना के, ये देखो जैसे ये चेकों की फोटो लगा सकते हो, चाहे आपके चेक हैं, आप नए भी हो या तब भी कोई बात नहीं है, ये देखो लोगों के चेक ऐसे बना के रख लो आप, ठीक है। हर प्रोफेशन के, ये दुकानदार है, ये भी दुकानदार है, ये डॉक्टर है, ये टीचर है, ये एडवोकेट है, ये कॉर्पोरेट वाला है, ये सेल्स एंड मार्केटिंग है, ये हाउसवाइफ है, ये मैकेनिकल इंजीनियर है, ये डॉक्टर है, ये मैं हूं। तो आप लोगों ने क्या करना है, ऐसे आपने प्रोफाइल बना के रखने, फिर जिन लोगों को गाड़ियां मिलती हैं, हर प्रोफाइल के लोगों का कुछ मटीरियल रखो, राइट। ये देखो कुछ स्टूडेंट ने गाड़ियां ली, कुछ कारपेंटर ने गाड़ियां ली है, दुकानदारों ने, हाउसवाइफ ने, स्टूडेंट ने गाड़ियां ली है। तो ये हर तरह की आपने ऐसे ऐसे फोटो में रखनी है। व्हाई, कुछ नहीं पता दोस्तों, सोशल मीडिया के ऊपर जो प्रोस्पेक्ट आपके साथ बात कर रहा वो किस प्रोफेशन से होगा। तो अगर आपके पास बिल्कुल मसाला तैयार पड़ा हो ना, मटेरियल तैयार पड़ा है, तो आप सिमिलर प्रोफाइल की वीडियोस या फोटो का उसके साथ अटैच कर सकते हो, ठीक है। फिर आप जो फंक्शन करते हो, कहीं घूमने जाते हो, कुछ वैसी फोटो में आप थोड़ा रेडी रखो। अगर आप नए नए हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी अपर लाइन में होंगे लोग जो फॉरेन ट्रिप पे गए हैं, क्रॉस लाइन में होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी फोटो में अलग अलग आप रेडी रखो, ठीक है। कोई भी किसी भी प्रोफेशन के लोग आपको मिल सकते हैं, जिस प्रोफेशन के हैं उस प्रोफेशन के आप दिखा दो। तो ये आपने ना थोड़ा सा मसाला आपने तैयार रखना अपना, ठीक है, मटेरियल तैयार रखना आपने, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं। अब कोई भी आपने जो पोस्ट है ना, सीधी आपने ये नहीं डाला मेरे साथ ज्वाइन करो, पहले लोगों को रिवार्ड्स दिखाने होते हैं, मतलब पकड़ना कान है लेकिन हाथ घुमाकर पकड़ना हमने कान, पहले लोगों को रिवार्ड्स दिखाओ, उनको ड्रीम दिखाओ यार क्या क्या मिल सकता है। लोग अपने आप खींचे चले जाते हैं दोस्तों, अपने आप खींचे चले जाते हैं। जैसे कि मछली को जब पकड़ते हैं ना, तो आटा बीच में उसमें जो हुक होती है, हुक के अंदर आटा लगाते हैं, वो तालाब में फेंकते हैं, मछली अपने आप आती है। तो हमने भी सेम वैसे ही दोस्तों काम करना है। जो भी आप कंटेंट डालते हो, बड़ा ही एक ऐसा कंटेंट होना, छोटा सा कंटेंट होना चाहिए, बड़े बड़े लंबे लंबे ऐसे नहीं लिखने होते हमने, छोटा स्मॉल एंड इफेक्टिव डालना है हमें, ठीक है। अगर शुरू शुरू में आपका कंटेंट अगर लोग नहीं पसंद करेंगे ना दोस्तों, तो नहीं आएंगे, लेकिन अगर आपका कंटेंट अच्छा है ना, मीनिंगफुल है, तो लोग खुद चले आते हैं, ठीक है। फिर कभी भी रेपिटेशन नहीं करनी आपने,
सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल हमारी मोदी मोदी फैमिली के अंदर ही बहुत सारे लीडर्स हैं जो जीबीडी स्मैक चीवर वन सीयर क्लब मेंबर है, किसी का भी कंटेंट उठाकर अपनी पोस्ट पर डाल दिया करो, उसको एडिट कर लिया करो यार। ये तो कॉपी कैट मार्केटिंग का बिजनेस है, कॉपी करने का बिजनेस है। जितनी ज्यादा नकल मारोगे उतना ही आप पैसा बनाओगे। मैं खुद भी कई बार ऐसे करता हूँ, जो श्रेखा जी का जो और अचीवर्स के मैसेज होते हैं उनको उठाता हूँ अपनी वॉल के ऊपर, उसको एडिट करके एडिट कर देना, कहीं ऐसा ना हो नाम भी किसी का और फोन नंबर भी किसी का लिखा हो, वहां पर नाम अपना लिखना फोन नंबर अपना लिखना ये याद रखना, ठीक है। थोड़ा कॉमन सेंस यूज करके उसको एडिट करके आपने चिपका देना दोस्तों, ठीक है। फिर वहां पर बहुत सारी कम्युनिटीज होती हैं, ग्रुप्स होते हैं, उनको ज्वाइन करना आपने। कोई वर्क फ्रॉम होम के ग्रुप होते हैं, वेलनेस के ग्रुप होते हैं, ब्यूटी के ग्रुप होते हैं दोस्तों, वो ज्वाइन कर लो, वहां पर अच्छा अच्छा कॉन्टेंट डालिए आप, ठीक है। अभी जैसे हमारे इम्यूनिटी के ऊपर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, उसके ऊपर बातचीत कर सकते हैं। अभी हमारे सैनिटाइजर्स आए हैं, हमारे मास्क आए हैं, जर्मी बस्ट आया है, तो कुछ भी उसके ऊपर हम बातचीत कर सकते हैं। तो सीधे ही हमने वो नहीं घुसेड़ देना, अभी मोदी कर ज्वाइन करो हमारे साथ, हम MLM करते हैं, ग्रुप्स के अंदर बात कर रहा हूँ, ठीक है। देन प्यारे प्यारे से ई इन्वाइट्स बना के रखो आप अपने पास, ठीक है। जैसे ये देखो, थोड़े थोड़े आप सीख लो, काम सीख लो, थोड़ा सा ऐप्स आती हैं बहुत सारी, थोड़ा सीख लो आप, ठीक है। ऐसे अपनी क्लास बना के रख लो आप, ये अब नेट से भी उठा के थोड़ा सा डिजाइन करके देख सकते हो। ये सुरेखा जी के बने हुए, इनको हम रीयूज कर सकते हैं, अपना नाम लिख दो, अपना नंबर लिख दो, ठीक है, राइट। और एक आपने क्या करना है, वीडियो मार्केटिंग। आजकल कंटेंट बेस से ज्यादा वीडियो मार्केटिंग का जमाना दोस्तों। आप क्या करो, एक एक दो दो मिनट का वीडियो बनाओ अपना और अपनी फेसबुक के ऊपर डालो, कोई वाई यू ज्वाइन मोदीकर, आपको मोदीकर में क्या अच्छा लगा। जहां आप प्रोडक्ट्स को लेकर बना सकते हो, कोई आपने प्रोडक्ट यूज किया, मान लो आपको गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, आपने नोनी यूज किया, तो आप उसके ऊपर वीडियो बना सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो वो डालोगे ना, इसको बोलते हैं माइक्रो वीडियो मार्केटिंग, ठीक है। तो जो आजकल वीडियो मार्केटिंग बहुत ट्रेंड में आ रही है दोस्तों, तो इसका आप बहुत ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। एक छोटा सा आपको ट्रेलर दिखाता हूँ, एक मिनट। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष चोपड़ा। आज दोस्तों मैं आपसे बहुत जरूरी सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी इनकम कोरोना लॉकडाउन करके स्टॉप, ठीक है। ये एक छोटा सा हिंट दिया मैंने, आप भी ऐसी एक एक मिनट की डेढ़ डेढ़ मिनट की वीडियो बना सकते हो दोस्तों। तो बहुत ही जितने भी आपके फेसबुक फ्रेंड्स हैं उनको आप भेज सकते हो, फेसबुक के ऊपर पोस्ट डालो, अपने इंस्टाग्राम के ऊपर डालो, व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर डालो, तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। फिर आप क्या कर सकते हो, सपोज करो आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट करना चाहते हो, इससे भी हमें बड़े अच्छे रिजल्ट मिले हैं। जैसे अमित है, बहुत सारे अमित है फेसबुक के ऊपर, अमित सर्च मार लो, ठीक है, अमित इन दिल्ली, अमित इन अमृतसर, कितने शहर है यार, बड़े पड़े हैं, तो लिख दो, हाँ जी नमस्कार अमित जी, कैसे हो, क्या आपकी इनकम लॉकडाउन में डिस्टर्ब हुई है, जहाँ क्या आप विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, घर से दो तीन घंटे ऑनलाइन काम करके एक अच्छी इनकम बनाना चाहते हो, और थैंक यू वेरी मच, ठीक है। ऐसा भी आप एक मैसेज बना सकते हो या वीडियो बना सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो जितने भी अमित है उनके मैसेंजर के अंदर बेहतर हो बेहतर हो, उनको लगेगा यार माइट बी ही माइट बी नोन टू मी, तो उससे भी लोगों को अच्छे रिजल्ट मिले। ये जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ ना दोस्तों, ये मैं वो बता रहा हूँ चीजें, ये थ्योरेटिकल चीजें नहीं है दोस्तों, ये पिछले 6 महीने में जो मैंने खुद प्रैक्टिस की है, जो हमारी टीम ने प्रैक्टिस की है, मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। कोई भी हार्ड और फास्ट रूल नहीं, अगर कोई ऑलरेडी आप टेक्निक लगा रहे हो तो वो बहुत अच्छी है, इससे हमें अच्छे रिजल्ट मिले, तो मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। फिर कोशिश करो प्रोस्पेक्ट के साथ वीडियो कॉलिंग पे आओ, जब प्रोस्पेक्ट वीडियो कॉल कर लेता ना दोस्तों, एक तो नंबर एक क्या था, उसका बैकग्राउंड हो ना, जो उसके पीछे क्या चल रहा है वो पता लग जाता, उसका चेहरा देखकर, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर आपको पता लग जाता यार ये बंदा जेन्युइन है या नहीं है, और मोर ओवर आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है जब आप वीडियो कॉल करते हो, ठीक है। तो मेरी कोशिश होती है जब भी कोई प्रोस्पेक्ट मिलता है जल्दी से जल्दी उसका वीडियो कॉल की जाए दोस्तों, ठीक है। फिर आप कोई भी, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं फेसबुक के ऊपर, उनको सर्च कर सकते हो, वहां पर आपको बहुत सारी लिस्ट मिल जाती है। फिर किसी भी ABC कंपनी का आप सर्च करना चाहते हो, वहां पर वो मिल जाता है आपको कंपनी, वो भी अभी आपको लाइव दिखाऊंगा थोड़ा। किसी सिटी में आप, किसी सिटी के अंदर आपको प्रोस्पेक्ट चाहिए वो मिल सकते हैं फेसबुक के ऊपर। एक पर्टिकुलर प्रोफेशन के लोग आपको चाहिए किसी सिटी के अंदर, लाइक योगा ट्रेनर इन अमृतसर, योगा ट्रेनर इन न्यू दिल्ली, वो आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो आप एक थोड़ा सा फेसबुक के ऊपर आपको दिखाई दूं मैं, ये देखिए यहां पर जैसे वर्क, एक तो मैं थोड़ा पहले आपको प्रोफाइल दिखा देता हूं थोड़ा सा, कि प्रोफाइल आपने कैसे करना है, ये देखो
ठीक है, एक अच्छी सा पीछे कवर फोटो लगा दो, आप फैमिली की लगा दो, फैमिली की फोटो लगाओगे वो ज्यादा इंप्रेसिव होती, क्यों, फोटो देख के दोस्तों जैसे पंडित जी या जोशी होते हैं वो कुंडली देख के बता देते हैं ना आपका सारा अगला पिछला सिस्टम, ऐसे आजकल दोस्तों आपका फेसबुक का प्रोफाइल देखकर पता लग जाता है कि बंदा किस तरह का है, ठीक है। ऐसे आप बढ़िया सा कुछ ऐसे लिख लो, आप टैगलाइन लिख लो, अपना मोबाइल नंबर जरूर दो नीचे, और ये देखो अच्छी अच्छी पोस्टें डालो, कंपनी कुछ भी लॉन्च करती है तो वो आप डालो फेसबुक के ऊपर, ठीक है, ऐसे आप डाल सकते हो सारा का सारा। देखो कोई भी प्रोफाइल देखे यार पता लगना चाहिए यार ये बंदा बड़ा प्रोफेशनल है, ठीक है, तो कहीं ऐसा ना हो भी आपने और ही कुछ मटेरियल डाला, कुछ और ही गलत मतलब पोस्टें डाली हुई है आपने, वो नहीं करना आपने दोस्तों। तो जैसे यहाँ पर है एक ग्रुप आपने कोई सर्च करने हैं, वर्क फ्रॉम होम आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर प्राइवेट ग्रुप्स भी होते हैं, पब्लिक ग्रुप भी होते हैं, जो प्राइवेट होते हैं वो परमिशन देंगे तभी हम कुछ उसमें ऐड कर सकते हैं, और कई बार ऐसे भी होता है जब आप ग्रुप ज्वाइन करते हैं ना, जैसे ये देखो वर्क फ्रॉम होम है तो बहुत सारी कुछ पोस्टें होती हैं ऐसी, ठीक है, वहां से आपको देखना होता है, लोग बहुत सारे मिल जाते हैं आपको, ये देखो कैसे हैं कहीं से भी काम की आजादी, देखें ये रिपोर्ट, किसी ने ये पोस्ट डाली हुई ऐसे, तो अब आपने क्या करना है, ये देखो ये 9 कमेंट्स हैं और ये देखो 554 लोगों ने रिएक्ट किया है, ठीक है। अब ये देखो लाइक कितने लोगों, बहुत से लोगों ने लाइक किया है। अब जितने भी लोग हैं ये जिन्होंने पोस्ट लाइक किया है तो आप वहां पर दोस्तों आप देख सकते हो, ठीक है, जैसे ये है, ठीक है, सपोज करो सुरिंदर जी हैं, अब आप इनका प्रोफाइल चेक करो, अगर प्रोफाइल ठीक है तो इनको मैसेज डाल दो, सपोज करो ये है मैसेज, ठीक है, ये इनका मैसेंजर खुल गया, तो आपने क्या करना है, आपके पास टेम्पलेट्स बड़े हों बने होने चाहिए, रेडी पहले होने चाहिए, कुछ आपको दिखा देता हूँ सैंपल, ये देखो ऐसे, ठीक है, पहले ऊपर नाम लिख लेना है, ठीक है, हेलो लिखकर, अगर हिंदी में लिखना तो ऐसे लिख लो, हेलो सुरेंद्र जी, क्या आप विदाउट इन्वेस्टमेंट 2 से 3 घंटे घर से ऑनलाइन काम करके एक अच्छी इनकम बनाने के बारे में जानना चाहते हो, मैं ये लिखता हूँ जानना चाहते हो, मैं ये नहीं बोलता करना चाहते हो, जानना चाहते लिखेंगे ना तो बंदा जल्दी वो होता, हाँ बताओ क्या है। अब ये देखो यहाँ पर ऐसे टाइप कर दिया मैसेज आपने, और इधर आपने क्या लिख दिया है, सुरेंद्रा, हेलो सुरेंद्रा जी, ठीक है जी, ये तो हो गया हिंदी वाला सिस्टम। अगर इंग्लिश वाले लोग हैं तो ये लिखा हुआ, वुड यू बी इंटरेस्टेड इफ यू कुड स्टार्ट ए होम बिजनेस पार्ट टाइम एंड वर्क टुवर्ड रिप्लेसिंग योर फुल टाइम इनकम। तो ये अलग अलग ना आपने कुछ बनाकर रखने हैं यार, क्या महीने का 50,000 बनाना चाहते हो, ठीक है, आई एम लुकिंग फॉर सच पर्सन हु आर इंटरेस्टेड टू सी एन अपॉर्चुनिटी वेयर दे कैन वर्क डॉट 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 सो ऑन, ठीक है। तो ऐसे आप बना सकते हो। कैन आई आस्क वन क्वेश्चन इफ यू डोंट माइंड प्लीज, इज योर इनकम डिस्टर्ब इन लॉकडाउन, कुछ भी आप ऐसे सवाल पूछ सकते हो दोस्तों लोगों से, ठीक है। तो ऐसे आपने लोगों को करना, फिर आप ये देखो जैसे कि योगा योगा ट्रेनर्स इन दिल्ली, तो यहां पर क्या होगा, ये देखो योगा इन दिल्ली एनसीआर, इस ग्रुप के कितने 492 मेंबर हैं। तो जब आपने क्या करना है, इन ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो, जब आप इधर ज्वाइन पे क्लिक करेंगे ना तो जो भी ग्रुप का एडमिन होता है वो आपको अलाउ कर देगा, ठीक है। वहां पर आप अच्छे, वहां पर जितनी भी पोस्टें होती हैं उस ग्रुप के अंदर, वहां पर आप देखो कितने लोगों ने जो मैसेज डाले हैं, किसने कितने लाइक किया, किसने क्या कमेंट डाला है, जिसके पॉजिटिव पॉजिटिव कमेंट है वहां से आप उनके प्रोफाइल चेक करके मैसेज डाल दो, एक तो ये ऑप्शन। दूसरा कई बार वहां पर मोबाइल नंबर भी लिखे होते हैं, और मोर ओवर कई बार वहां पर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए लिंक डाल रहे हैं आजकल लोग, बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर हैं ऐसे, वो क्या करते हैं, वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप का, या योगा ट्रेनर्स भी हैं या लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर आजकल बहुत सारे ग्रुप चल रहे हैं, वो एक ना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक देते हैं आपको, ज्वाइन दिस ग्रुप फॉर मोर डिटेल्स। तो आप लोगों ने क्या करना है, वो ग्रुप ज्वाइन कर लेना था, और बाद में अगर कई बार तो 200 लोग उस ग्रुप से मिल जाते हैं आपको, बाद में एक एक करके उनको मैसेज डालते रहो, बताते रहो भी हमें हम इस ग्रुप के अंदर कॉमन हम हैं, और बस फिर आगे हाय हेलो करके बातचीत शुरू कर लो, ठीक है जी। तो उसके लिए भी रेडीमेड टेम्पलेट होने चाहिए, जो मैंने अभी दोस्तों आप लोगों को दिखाए थे, ये सॉरी
ये वाले ऐसे, ठीक है, ताकि टाइम ना वेस्ट करना पड़े टाइप करने का दोस्तों आपको, तो ऐसा बना बनाया मसाला रेडी होना चाहिए, ठीक है, फास्ट करना है काम। 70 करोड़ के करीब लोग दोस्तों फेसबुक के ऊपर बैठे हुए हैं, तो लोगों की कमी नहीं है, बहुत लोग हैं यार डिजिटली, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं आपको, ठीक है। सिर्फ क्या करना, रोज कम से कम 20-25 लोगों को ऐसे मैसेज शूट अप करो दोस्तों, ठीक है। तो आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना सकते हो, वो बहुत काम करेगी आप लोगों के लिए। फिर जो इनएक्टिव कंसल्टेंट होते हैं वो भी हमारे एक प्रोस्पेक्ट ही है दोस्तों, उनके एक अलग ब्रॉडकास्ट मैसेज, एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लो, उनको आप कभी कभी कोई अच्छा सा कोई अचीवमेंट की वीडियो भेज दी, किसी ने कोई गाड़ी ली है, घर लिया है, चेक आए हैं, वो भी एक्टिवेट होते हैं। लॉकडाउन के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों जो इनएक्टिव थे, जो कभी प्रोडक्ट में लेते थे, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। फिर आप कुछ कस्टमर जिनको आप टारगेट करना चाहते हो, उनके भी कोई ब्रॉडकास्ट बना सकते हो। वहां पर क्या करना है, उनको अच्छे अच्छे प्रोडक्ट डेमो भेजिए, टेस्टिमोनियल भेजिए, वहां से आपका जो 100 पीवी का मिशन है ना हमारा दोस्तों, वो तो ऐसे ही हो जाता है दोस्तों, ठीक है। फिर सोशल मीडिया के ऊपर आपने अच्छी अच्छी मीनिंगफुल पोस्टें डालनी है दोस्तों, और अपने दोस्तों को रिश्तेदारों को टैग करना होता है जरूर हमने, ठीक है। व्हाई, अभी मान लो आपके फेसबुक के ऊपर, आपकी वॉल के ऊपर कोई आपने अच्छी सी वीडियो डाली चल रही है, अगर आप अपने दोस्तों को रिश्तेदारों को भी टैग कर दोगे ना, तो उनकी वॉल के ऊपर भी वही चलना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी फेसबुक के ऊपर 500 फ्रेंड है, आपके 5 दोस्त हैं, उनके भी 500 फ्रेंड है, आपने उनको टैग कर दिया, तो 500 आपका था, 2500 उनके हो गए, तो अब 3000 लोग आपकी पोस्ट को देख रहे हैं, विजिबिलिटी बढ़ जाती है दोस्तों, ठीक है। तो ये जरूर करने, फिर हैशटैग जरूर यूज किया करो नीचे, ये भी कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, इससे क्या होता है, अगर कोई डिजिटल आजादी लिखेगा तो आपकी पोस्ट वहां पर आती है, अगर कोई वर्क फ्रॉम होम टाइप करेगा कुछ वहां पर, आपकी पोस्ट वहां आ जाती है। तो ये सर्च जो लोग करते हैं ना, सर्च में आपका जो पोस्ट होती है वो ऊपर आ जाती है दोस्तों, ठीक है। तो ये बनी बनाई हैशटैग है, नहीं भी मिलते जो जो लीडरों ने डाले होते, वही कॉपी पेस्ट मार्केट कर दिया करो आप, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये क्या है क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट मार दिया करो बस, ठीक है। तो और फेसबुक लाइव सेशन जरूर किया करो, जैसे 7, 14, 21, 28 को 7 बजे लाइव आते हैं, वो आप भी आइए दोस्तों, चाहे 1 मिनट के लिए आइए, चाहे 2 मिनट के लिए आइए, शुरुआत कीजिए, परफेक्ट नहीं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप खुद बोलते हो ना, बहुत फर्क पड़ता है। एक है किसी का डेमो करते हुए का अपने रिश्तेदार को वीडियो भेजना, एक है खुद डेमो करके वो वीडियो भेजना, मच इफेक्टिव। जब आपके नोन, आपके जानकार लोग आपको डेमो करते हुए का, जब आप किसी चीज के बारे में बता रहे हो वो वीडियो देखते ना दोस्तों, वो ज्यादा इफेक्टिव होती है दोस्तों, ठीक है। अगर टीम जैसे बननी शुरू होती, बड़ी होती है, तो आप अपना चैनल भी बना सकते हो, ठीक है। आपने मैनर्स और एटिकेट्स को फॉलो करना जब भी आप वीडियो कॉल करते हो प्रोस्पेक्ट के साथ, बीन फॉर्मल वेयर, पीछे कोई कपड़े कुपड़े टंगे होने चाहिए, ऐसा नहीं पीछे बच्चे बुच्चे खेल रहे हैं या शोर मच रहा है, वो थोड़ा आपने ध्यान रखना दोस्तों। ये चीजें हैं, अगर आप इन चीजों को फॉलो करोगे दोस्तों, तो बहुत ही बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों। तो मैं लास्ट पे एक ही बात बोलूंगा दोस्तों, जैसे खड़ा पानी बदबू मारनी शुरू कर देता ना, ऐसे ही एक लीडर को भी जंगाल लग जाता दोस्तों, जब वो खुद प्लान दिखाने बंद कर देता है, जब वो खुद प्रोस्पेक्टिंग करनी बंद कर देता है, जब वो खुद पर्सनल स्पॉन्सरिंग करनी बंद कर देता है। अगर आप पॉजिटिव रहना चाहते हो, हमेशा हमेशा जीतना चाहते हो और हमेशा एक्साइटमेंट में रहना चाहते हो ना, तो हमेशा प्रोस्पेक्टिंग करते रहिए, प्रोस्पेक्टिंग 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 प्रोस्पेक्टिंग, शो द प्लान दोस्तों, ज्वाइनिंग करवाइए। और लास्ट पे यही बोलूंगा दोस्तों, चक दो फटे, विश यू बेस्ट ऑफ लक। सो ओवर टू श्रेखा जी। अमेजिंग मनीष, क्या तुमने कमाल किया है, मतलब 25-30 मिनट में इतनी तुमने बातें सिखाई हैं, इतना कुछ सिखा दिया, और जो तुम्हारी ऑनेस्टी, जो सिंसियरिटी, जो जेन्यून जो तुम करते हो, वो ऐसा का ऐसा तुमने सिखा दिया। मतलब कौन कहता है कि अनजान लोग मदद नहीं करते, तुम आज, तुम्हें पता है कि इस प्रेजेंटेशन में मैक्सिमम लोग होंगे जो कि मतलब है मोदी केयर परिवार से, पर तुम्हें नहीं जानते, डायरेक्ट बेनिफिट तुम्हारा कोई नहीं है, बट इसको कहते हैं एक सिंसियर लीडर, कि जब सिखाने खड़ा होता है तो सिर्फ एक आदर्श टीचर होता है, और वही तुमने आज सिखाया। और मैंने खुद ने भी बहुत सारी चीजें सीखी है मनीष, एंड कोई भी फॉलो कर लेना जो तुमने आज सिखाया, बस उसको फॉलो कर ले। मुझे लगता है ये जो सेशन तुम्हारा और अक्षी का हुआ है, तुम लोगों ने कोल्ड सर्किल में, एक ने ऑफलाइन कोल्ड सर्किल सिखाई, दूसरे ने कोल्ड ना डिजिटल कोल्ड सर्किल सिखा दिया, और बस कोई भी व्यक्ति पहले वार्म सर्किल में काम करे, वार्म सर्किल में काम करके प्रैक्टिस करनी होती है, वहां से प्रैक्टिस करना है, वहां से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखनी है, वहां से प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस करनी है, वहां से अपना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट करना है, वहां से चैलेंज लेना है, और फिर वार्म सर्किल में मंज करके बिल्कुल, रज करके बिल्कुल, और फिर कोल्ड सर्किल खुला पड़ा है जो तुम लोगों ने सिखाया है, कोई भी इसको फॉलो कर ले तो जीतता चला जाएगा। मैं बहुत दिल से तुम दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मनीष, इट्स फैंटास्टिक।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया फ्रेंड्स। एक घंटा ये जो अभी बीता है ना, अक्षी दत्ता जी और मुनीश चोपड़ा जी ने जो आपको सिखाया है वो ना, वो अनमोल है। आप कहीं भी कितना भी खर्च करके ना ये पा नहीं सकते थे जो आज इस सेशन में सिर्फ अवेलेबल होने के कारण आप सीख गए हो। अब बस कर गुजरना है, जो कुछ सिखाया गया है शुरू होना है। जैसे कि मुनीश जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि शुरू हो जाओ, एक फेसबुक पोस्ट बनाओ, एक अपना अकाउंट खोलो, एक मतलब प्रोफाइल बनाओ, उसमें दो चार अच्छी फोटो लगाओ, मोदी केयर की जो भी वीडियो आती है, जो भी पोस्ट आती है उनको डालने लगो, अपनी दुकान को सजाओ। मैं हमेशा कहती हूँ कि जैसे मॉल में आपका शोरूम होता है ना, ऐसे डिजिटल मॉल में आपका जब आप प्रोफाइल बना लेते हो वो आपका शोरूम बन जाता है। अब उस शोरूम को खाली नहीं रखो, उस पर कुछ 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 अच्छा डालने लगो, उस पर FB लाइव जाने लगो, फेसबुक है, इंस्टा है, ट्विटर है, बहुत कुछ करने के लिए है। बट अगर शुरू ही नहीं करोगे तो कहीं पहुंचोगे नहीं, और शुरू कर दोगे तो डिजिटली भी बहुत कुछ आपके लाइफ में होने लगेगा। ये वीडियोस, ये जो आज सिखाया गया है, इतना फास्ट इतना कुछ सिखाया है, अब मैं सजेस्ट करूंगी आप कम से कम इसको 2-3 बार देखें और एक एक चीज फॉलो करके इसको सिंसियरली आगे बढ़ाएं। मुनीश, एक और रिक्वेस्ट है तुमसे, जो तुमने फोटोग्राफ्स कर रखी है ना चेक्स की, जो चेक और अचीवर्स उनके नाम उनके प्रोफाइल के साथ जो चेक्स कर रखी हैं, उसकी अपनी एक FB पोस्ट अगर डाल देते हो या व्हाट्सएप पर शेयर कर देते हो तो लोगों को बहुत मदद हो जाएगी। डन मैम, अभी डाल दूंगा मैं मीटिंग के बाद। मुझे पता है तुम कुछ भी कर दोगे बच्चा, बस भगवान तुम लोगों को इतना ही जेन्यून, इतना ही ऑनेस्ट, इतना ही प्योर रखे, और शायद ये प्योरिटी ही तुम लोगों को इतनी बड़ी सफलता दे रही है। खुश रहो, खूब आगे तरक्की करो। आइए फ्रेंड्स, ये था प्रोस्पेक्टिंग, हमने सब सीखा। हमने एक तरफ 20-20 करोड़ के लिए हम तैयार हैं, तो दूसरी तरफ मोदी केयर हमें कैसे फैसिलिटेट कर रही है ये हमने जान लिया। फिर हमने अल्पेश गज्जर जी से कैसे अपना दिमाग ठीक रखना है, कैसे माइंडसेट स्ट्रांग रखना है, हमने वो सीख लिया। फिर हमने शरद चौधरी जी से बिल्कुल गणित सीख लिया कि क्या करना है, कैसे गणित हमारे लिए काम करेगा, किस तरीके के गणित के लिए हमें क्या करना है, वो हमने सीखा। अब हमने नए लोगों को स्पॉन्सर करना सीख लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट सेशन बचा है वो है समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड के साथ क्या एक्शन किया जाए इन डिटेल, और करने वाले हैं मनोज मलिक जी और राजेश गुप्ता जी। हम ठीक 4:45 पर फिर से अपनी मीटिंग स्टार्ट करेंगे। आप कुछ मिनटों बाद वापस लॉग इन कर सकते हैं, अगर एंटर नहीं कर पाए तो FB लाइव पर देखिएगा, बट ठीक 4:45 पे हम हमारा नेक्स्ट सेशन शुरू करेंगे। ऑल दी वेरी बेस्ट।